तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक सा चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है हाइपर जूम। दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट मोशन ओपन करेंगे, क्लिप्स ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के बाद स्प्लिट कर देंगे। और हर क्लिप्स में अलग अलग सीन होना चाहिए। लाइक मैं दिखा सकता हूँ, यह हर क्लिप्स में अलग अलग सीन है। इसको 1x1 फ्रेम के हिसाब से या 1x2 फ्रेम के हिसाब से अपने हिसाब से मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में स्प्लिट करते जाएंगे। और इसको कुछ इस तरह से लाइन में रख देंगे ताकि बीच में कहीं भी गैप ना हो और लाइक पीछे का बैकग्राउंड सब ब्लैक ऐसा कुछ दिखे ना। फिर एक रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, उसको ऊपर 3 डॉट के जरिए फिल स्क्रीन कर देंगे। फिर इफेक्ट में जाकर कॉपी बैकग्राउंड ऐड करेंगे और फिर सैचुरेशन वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे और सैचुरेशन को -100 कर देंगे। और फिर एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, उसका नाम है विग्नेट। विग्नेट को ऐड करेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह आपको अच्छा लगे। और फिर एक और इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है जूम ब्लर। हाँ, तो जूम ब्लर इस तरह से कुछ हल्का सा बढ़ा देंगे या कम भी करेंगे तो चलेगा। और फिर शेप को लास्ट तक क्लिप के हिसाब से पूरा कर देंगे, फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। हाँ पता है ये थोड़ा बेसिक सा चीज़ हो जाता है, लेकिन भाई ये एडिट्स में जान ला देता है। जिस जगह इस चीज़ की ज़रूरत हो और ये डाल दिया जाए हाइपर जूम, तो भाई आपके एडिट्स में जान आ जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।